ओके okay, नमस्ते दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है बहुत दिनों के बाद वीडियो पोस्ट किया है डोंट वरी क्योंकि आने वाले दिनों में और भी कुछ इसके बारे में बहुत सारी वीडियो पोस्ट करेंगे क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था अपनी स्ट्रैटर्जी को ऑटोमेट करने के पीछे तो मैंने कुछ स्ट्रैटर्जीज वगैरह डेवलप किया है तो उसका कुछ प्रॉफिटी एटी तक आ रहा है मैं सबसे खुश हूँ इस वजह से मैं जो लार्जेस्ट विन आ रहा था लार्जेस्ट लूजिंग आ रहा था ये मेरे बजट में आ रहा था तो इसके वजह से और भी कुछ इसके ऊपर काम करने के बारे में सोच रहा हूँ इसके लिए बहुत सारे लाइव वीडियोज़ या लाइव और ट्रेडिंग हो गया या बहुत सारी वीडियोज़ भी थोड़े देर के लिए रुकवाया हूँ क्योंकि मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में इसके ऊपर भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा अगर आपको भी इस चीज़ के बारे में जानना है देन स्टेट तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हम फुटप्रिंट के टाइप्स के बारे में देख रहे थे उसमें मैंने चार टाइप्स बोले थे उसमें से आज हम दो टाइप्स के बारे में देखेंगे एक है टाइम बेस्ड और दूसरा है रेंज बेस तो पहली आपके जो लेफ़्ट साइड पे जो दिख रही है दिस इज व्हाट वी हैव द टाइम बेस फुटप्रिंट एंड जो राइट साइड में जो दिख रही है दिस इज व्हाट वी हैव रेंज बेस फुटप्रिंट तो इस पूरे वीडियो में इसके यूज़ करने के तरीके ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इसके सेटिंग्स क्या है इसके एडवांटेज क्या है इसके डिसएडवांटेज क्या है ये हम स्टेप बाय स्टेप बाय प्रोसेस देखेंगे राइट तो पहली सबसे चीज़ कि टाइम बेस फुटप्रिंट क्या है और रेंज बेस फुटप्रिंट क्या है तो देखिए जब बात आती है टाइम बेस इट्स इट्स यहीं पर लिखा हुआ है कि जो भी हम कैंडल का जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हैं उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो भी ऑर्डर्स पंच होंगे तो उसी तरीके के ऑर्डर्स हमारे अपने फुटप्रिंट के दिखाई देंगे जो मोस्ट प्रोबेबली सभी जो ऑर्डर फ्लो के जो टूल्स हैं उस जगह पे ये मोस्ट प्रोबेबली सबसे कॉमन मिलने वाला जो टाइम बेस्ड फुटप्रिंट है तो इसका मतलब है कैंडल ओपन होके कैंडल क्लोज होने तक इतने ही टाइम पीरियड में जो ऑर्डर्स आते हैं वो ऑर्डर्स हमारे चार्ट पे दिखाने की जो कोशिश करता है उसको हम बोलते हैं टाइम बेस्ड फुटप्रिंट इन अ सिंगल वर्ड में अगर मैं बात करूंगा तो जो हम नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़ करते हैं ना द सेम कैंडलस्टिक पैटर्न विद द फुटप्रिंट एडेड लेकिन जब बात आती है रेंज बेस्ड फुटप्रिंट की यहाँ पे मैंने हंड्रेड रेंज सिलेक्ट किया है सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि ये रेनको की तरह है ये रेनको की तरह नहीं है रेनको में किस तरीके से प्राइस कैलकुलेट किया जाता है रेनको में प्राइस कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन प्राइस के हिसाब से प्राइस में आप कितने प्राइस का एक रेनको या एक ब्रिक जिसे आप बोलते हो उसके ऊपर इनको कैलकुलेट किया जाता है लेकिन जो रेंज बेस वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम फुटप्रिंट हम जो यूज़ कर रहे जगह पे, ये जो निंजा ट्रेडर में जो हंड्रेड रेंज है ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है अगर आप इस पूरे कैंडल को काउंट करेंगे इसमें जो ब्लॉक्स बन रहे हैं ना ये ट्वेंटी ब्लॉक हैं हर एक ब्लॉक का साइज है फाइव ओके फाइव टिक ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेंज बेस का जो फुटप्रिंट है या रेंज बेस कैंडल है ये टिक के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है ओके okay. तो टिक मतलब क्या हम पहले में आप यहाँ पर बता दूंगा कि इस जगह पे टिक का थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देखते हैं कि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक टिक साइज़ रहता है जैसे कि निफ्टी का हो गया जीरो पॉइंट जीरो फाइव या ज़ीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव इस तरीके का कुछ निफ्टी का कुछ टिक साइज़ है वैसे ही आप इस जगह पे आओगे तो इस जगह पे जो न्यासटैक का जो इंस्ट्रूमेंट है इसका जो टिक साइज़ है ज़ीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव है तो इस जगह पे अगर मुझे यहाँ पे एक नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब है टोटली फाइव टिक ओके प्राइस डिफरेंस में इस तरीके से आ रहा है सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस जो आपके रेनको चार्ट और जो टिक चार्ट आप में यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस है तो जो हमारा जो निंजा ट्रेडर की जो रेंज बेस कैलकुलेट होता है इट्स कम्पलीटली बेस्ड ऑन टिक मतलब जहाँ से कैंडल ओपन हुआ हंड्रेड रेंज का ये कैंडल रहेगा राइट right? सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरी कैंडल की जो हाइट रहेगी वो हंड्रेड टिक की रहेगी रिमेंबर यहाँ पे हम ट्रांजेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हम कैंडल रेंज के बारे में बात कर रहे हैं हर एक कैंडल का रेंज हंड्रेड टिक रहता है ओके okay? तो ये रही इस तरीके से इन दोनों कैंडल का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इनके वर्ड के हिसाब से या इनके डेफिनेशन के हिसाब से अब हम देखेंगे कि ये यूजुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं ये तो देख लिया हमने बेस्ड ऑन टाइम और बेस्ड ऑन टिक रेंज ओके टिक का एक रेंज रहता है इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आ, अगर आपको सेटिंग दिखा दूँ तो अभी हम जाएंगे टाइम वेस टाइम बेस फुटप्रिंट के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करना है और डेटा सीरीज में जाना है इस जगह पे आप आओगे सी द डिफरेंस ओवर हियर वी हैव हम हमने जो फुटप्रिंट जो फेच कर रहे हैं वो फुटप्रिंट फेच कर रहे हैं ऑन द फाइव मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हर एक कैंडल ओपन होके क्लोज होने का जो फॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर कैंडल का टाइम के हिसाब से होगा ये कैंडल कितना हाई बनाएगा ये कैंडल कितना लो बनाएगा ये इस पर्टिकुलर टाइम बेस फुटप्रिंट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये कितना कैंडल मूव होगा उस तरीके से कैंडल फॉर्म होगा लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम हमारे रेंज बेस वॉल्यूम पे देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट दिखाई देगी मैं दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है ये रहा लेवल्स पर टिक मतलब कितने टिक काउंट करके हमें एक ब्लॉक बनाना है तो दिस इज वन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू लुक इन टू क्योंकि हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक टिक साइज रहता है मोस्ट प्रोबेबली इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यास्डा का टिक साइज अराउंड जीरो पॉइंट जीरो फाइव कुछ इस तरीके से है मैं फिर से कंफर्मेशन करके बता देता हूँ क्योंकि इतनी डीप साइज में हम कौन घुसता है हमें जानना है कि कहाँ पे डिसेंट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है दैट्स मोर देन इन अ फॉरस ओके तो इस जगह पे आपने देखा कि मार्केट में टाइम बेस फुटप्रिंट है वो किस तरीके से कैलकुलेट होता है ओके okay. अब हम आएंगे रेंज बेस रेंज बेस फुटप्रिंट के ऊपर अब हम इसके डेटा सीरीज में जाएंगे तो ये है इसकी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे देखिए सबसे खास इन्फॉर्मेशन ये फुटप्रिंट का चार्ट हम यहाँ पे फेच कर रहे हैं एंड द रेंज बेस कैंडल है इस पूरे रेंज का जो जो रेंज है वो हंड्रेड टिक का है इस पूरे कैंडल का जो हाइट है वो हंड्रेड आएगा जैसे कि मैंने बोला कि इस पूरे टिक में आपको ट्वेंटी काउंट्स मिलेंगे हर एक हर एक ब्लॉक में फाइव टिक है मतलब फाइव इंटू ट्वेंटी इक्वल टू हंड्रेड या आ गया आपका इस पर्टिकुलर जो रेंज कैंडल है इस रेंज कैंडल का जो कितना रेंज का हम देखना चाह रहे हैं इसके बारे में अगेन इसको रेनको के साथ कंपेयर मत कीजिए दो दोनों दिखने में सेम दिखते हैं लेकिन रेनको वो काम करता है ऑन प्राइस के ऊपर लेकिन रेंज जो काम करता है ऑन टिक टिक की जो उसकी रेंज है उसके ऊपर काम करता है ओके तो ये थी इसकी सेटिंग अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इसके एडवांटेज क्या है देखिए सबसे अच्छा जो है इस पर्टिकुलर टाइम बेस फुटप्रिंट का यूज करने का आपको एक पता लगता है कि आपको कैंडल कब खत्म होने वाला है ओके okay? लेकिन ये चीज़ पर्टिकुलर रेंज बेस में पता नहीं रहता फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि एकदम से एक कैंडल कुछ इस तरीके से बना ओके okay? ये हमारे टाइम बेस फुटप्रिंट के ऊपर इतना बड़ा कैंडल बना समझे लेकिन वही सेम चीज़ इस जगह पे रेंज बेस में वो एक कैंडल नहीं दिखाएगा वो दो कैंडल दिखाई देगा क्योंकि इस पूरे में इसका एक रेंज है और इसका एक रेंज है वो इस तरीके से आपके रेंज बेस फुटप्रिंट में यहाँ पे आपको दो कैंडल दिखाएगा दिखाई देगा तो इससे क्या होगा पता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक एडवांटेज भी आता है जो रेंज बेस में आता है वो डिसएडवांटेज बन जाता है टाइम बेस फुटप्रिंट में वो है सो रेंज बेस फुटप्रिंट विल रिड्यूज़ द नॉइज़ ये नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है बहुत ही तगड़ा एक अच्छी तरीके से यूज़ करने वाला वाइडली रेंज बहुत सारे मैं ऐसे जो आउट ऑफ ट्रेडर को जानता हूँ जो रेंज बेस फुटप्रिंट के ऊपर काम करते हैं दिन में दो या तीन ट्रेड का ऊपर काम करते हैं बाकी टाइम पे मस्त पर रेस्ट करते हैं लेकिन टाइम बेस में बहुत ही सारा नॉइज़ आ जाता है दिस इज़ द बिग्गेस्ट प्रॉब्लम जो इस दोनों में तो डिसएडवांटेज क्या है पर्टिकुलर जैसे कि मैंने बोला इस जगह पे टाइम बेस फुटप्रिंट में हमें बहुत सारा नॉइज़ देखने के लिए मिलेगा लेकिन वही सेम नॉइस हमें रेंज बेस में देखने के लिए नहीं मिलेगा लेकिन रेंज बेस के लिए डिसएडवांटेज क्या है कि एकदम अगर मार्केट एकदम से वालाइटल बना बड़े बड़े कैंडल अगर फॉर्म हुए अगर आपका रेंज बहुत ही कम हुआ तो उस जगह पे वो पूरा रेंज को कैलकुलेट करते करते उस रेंज में कितने कैंडल बनेंगे वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो फॉर्म करेगा ये डिसएडवांटेज है रेंज बेस कैंडल का लेकिन यूज़ अ डिसेंट रेंज आप उस रेंज को यूज़ करके आप आराम से काम कर सकते हो राइट तो इससे क्या होगा कि मार्केट में जो जो नॉइज़ बन रही है जो मार्केट में एटलीस्ट एक वन ड्रेस टू वन मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आप सेटअप लेना चाह रहे हो तो वो रेंज बेस से आराम से आपको वो मिलेगा तो ये है इन दोनों और जो फुटप्रिंट में जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ना तो कुछ सीखने के लिए मिल चुका होगा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टिक बेस्ड और वॉल्यूम बेस्ड फुटप्रिंट के अंदर जो डिफरेंस है वो उसके बारे में अगर आपकी कुछ भी अगर आपके डाउट्स होंगे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड दैट्स इट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए हैव हैप्पी ट्रेडिंग थैंक यू